हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स प्लाजा। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन चैप्टर 4 जिसका नाम है कानून की समझ। आज मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूं। आइए देखते हैं तो आप लोग भी क्या करेंगे, अपने अपने सामने जो ये वाला बुक जो निकाल लेंगे और पेज नंबर कितना निकालना है 36 पेज नंबर 38 कानून की समझ अध्याय 4 ये समझते हैं। आप आए दिन रेडियो टीवी व अखबारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कानूनों और नियमों के बारे में सुनते होंगे पढ़ते होंगे। तो देश में देखो जो भी कानून लागू होता है उसको या तो अखबार में पढ़ते हैं, ठीक ना, या तो टीवी में देखते हैं, या तो रेडियो से क्या करते हैं सुनते हैं। इन सब चीजों के माध्यम से हमें देश में जो कानून लागू हुआ वो कानून का पता चलता है। उनमें से कुछ कानून से तो आप परिचित भी होंगे, जैसे विवाह की उम्र, दहेज लेने के विरुद्ध कानून, मताधिकार का कानून आदि। तो कुछ ऐसे कानून है जो कि तुम लोग जानता होगा, जैसे कि विवाह के लिए उम्र कितना होना चाहिए। विवाह के लिए जो पहले था, पहले उम्र क्या गया था विवाह के लिए, शादी के लिए, लड़की 18 साल, लड़का 21 साल। अब उसको परिवर्तन कर दिया गया है, अब जो है लड़की 21 साल, लड़का 25 साल, ठीक ना। शादी के लिए लड़की 21 साल, लड़का 25 साल। उसके बाद जो है और कानून चला दहेज पर था, ठीक ना, दहेज नहीं लेने का कानून, दहेज लिया तो उस पर भी केस किया जाएगा। और ये वो चल रहा है मताधिकार का कानून, कि प्रत्येक वो महिला या पुरुष, प्रत्येक लड़की या लड़का जो कि 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का है वो वोट जो क्या कर सकता है, दे सकता है। कुछ कानूनों के बारे में आप नहीं जानते होंगे, जबकि हमारे घर के बड़े बूढ़े इनसे ज्यादा अच्छी तरह से परिचित होंगे, ठीक। कुछ ऐसे कानून है जो कि तुम लोग नहीं जानता, अगर घर के बड़े बुजुर्ग जानते हैं, जैसे संपत्ति खरीदने या बेचने का कानून है। संपत्ति कोई चीज खरीदता है, जैसे जमीन सब खरीदा, ठीक ना, फिर उसको बेचा, उस पर भी कानून है। उसके बाद दिया है विभिन्न प्रकार के झगड़ों को निपटाने के लिए कानून, तो गाँव घर में जो झगड़ा सब होता है उसको निपटाने के लिए भी क्या है, कानून है। इस अध्याय में हम लोग यही क्या करेंगे, कानून के बारे में पूरा है ना पढ़ेंगे। तो आप देखो आ जाएगा कानून के प्रकार। संविधान में उल्लिखित नियमों को संवैधानिक कानून कहते हैं। संविधान में जो नियम लिखा गया है उसको संवैधानिक कानून कहते हैं, ठीक ना। संविधान में जो नियम लिखा गया है उसको क्या कहते हैं, संवैधानिक कानून कहते हैं। संवैधानिक नियमों के अनुरूप बनाए गए हैं या अपनाए गए हैं। संविधान जो है प्रत्येक नियम को देखते हुए क्या किया गया, बनाया गया है और बाद में उसको स्वीकार किया गया, अपनाया गया है। सामान्य कानून की श्रेणी में आते हैं उत्तराधिकार कानून, वैवाहिक कानून, दंड विधान आदि हमारे देश के सामान्य कानून हैं। कुछ कानून है जैसे कि उत्तराधिकार कानून की, जैसे कि पिता के बाद संपत्ति का अधिकार किस पे होगा उसका, उसके लिए कानून है। वैवाहिक कानून यानी कि शादी विवाह के लिए कानून, कितना उम्र होना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, ये सब ऐसे बहुत सारे कानून हैं। आपने अपने गांव या मोहल्लों में परिचित के यहाँ शादी में भाग लिया होगा, अपने रिलेटिव के यहाँ, रिलेशन के यहाँ या गांव सब में शादी में कभी न कभी तो गया होगा। उनमें अलग अलग धर्म के लोग भी आते हैं, उनमें देखेगा तुम जो अलग अलग धर्म के लोग शामिल होते हैं शादी है, मुस्लिम मान के चलो, हिंदू, सिख, ईसाई सब रहते हैं, यदि उसके दोस्त वगैरह हैं होता है ना, या मान के चलो शादी है हिंदू का, उसमें क्रिश्चन मुस्लिम सभी रहते हैं। प्रत्येक धर्म में शादी की अलग अलग विधि है, सभी धर्म में जो है शादी का एक विधि नहीं है। हिंदू का रीति रिवाज कुछ और है, मुस्लिम का कुछ और है, क्रिश्चियन का कुछ और है, ठीक ना। सभी धर्म का क्या है, शादी विवाह का रीति रिवाज अलग अलग है। कानून इस सारे विवाह को मान्यता तथा वैधता प्रदान करता है, क्योंकि ये शादियां संबंधित व्यक्तियों के व्यक्तिगत धार्मिक आस्था परंपरा के अनुसार संपन्न हुई है। तो शादी किसी भी धर्म से हो, शादी किसी भी नियम से हो, किसी भी तौर तरीके से हो, कानून क्या करता है, सभी को जो रजामंदी देता है, सबको स्वीकार करता है। अब देखो यह कानून के प्रकार, ठीक ना, कानून के प्रकार। पहले क्या दिया, मतलब कानून, कानून, ठीक ना। तो कानून होते हैं दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला होता है संवैधानिक कानून,
चाहिए पहला संवैधानिक कानून। कानून कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला संवैधानिक कानून, दूसरा क्या होता है? सामान्य कानून। दूसरा सामान्य कानून, ठीक। संवैधानिक कानून यही खत्म हो जाता है, सामान्य कानून फिर दो प्रकार का हो जाता है, ठीक ना। सामान्य कानून क्या होता है? फिर दो प्रकार का हो जाता है। सामान्य कानून पहला होता है सार्वजनिक कानून, सार्वजनिक कानून, और दूसरा होता है व्यक्तिगत कानून। व्यक्तिगत कानून दो प्रकार का, व्यक्तिगत कानून, ठीक। तो व्यक्तिगत कानून यही खत्म हो जाता है, ठीक ना। और सार्वजनिक कानून जो है दो प्रकार, फिर दो प्रकार का हो जाता है। दीवानी कानून, सार्वजनिक कानून फिर कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया, जिसमें कि पहला तुमको दिया गया है दीवानी कानून। दीवानी कानून, और अगला तुमको दिया है फौजदारी कानून। फौजदारी कानून, ये फौजदारी है, इसका मिस्टेक को जो है मूछदारी नहीं पढ़ लेना, ठीक है ना। क्या ये फौजदारी, ये सभी कानून है, ठीक ना। और समझो यहाँ पे कौन सा कानून किस नियम में आता है? किसी व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित तथा नियंत्रित करने कानून संबंधित कानून व्यक्तिगत कानून की कोटि में आते हैं, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति किस स्वभाव से है, उसका क्या क्या स्वभाव है, वो उद्दंड है कि कैसा है, यदि हरामी है तो उसको नियंत्रित करना है, ठीक ना, उसको काबू में करना है, कैसे? कानून के थ्रू उसके लिए कानून बनता है। संपत्ति व्यक्ति वो सरकार के बीच व्यवहार आपराधिक घटनाओं तथा व्यक्तियों की सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानून को सार्वजनिक कानून कहते हैं। सार्वजनिक कानून देखो, ये है सार्वजनिक कानून, ये सार्वजनिक कानून जो है वह कानून है जो संपत्ति पैसा कौड़ी किसी व्यक्ति और सरकार के बीच व्यवहार या फिर कोई अपराध की घटना के बारे में बताता है। जो अपराध होता है उस पे जो कानून लागू होता है वो क्या कहलाता है? सार्वजनिक। क्योंकि अपराध जो होगा वो पूरा देश में फैलता है ना, पूरा देश में ऑर्डर दे दिया जाता है कि इसको ये कर दो, अपराधी को ये कर दो, गोली मार दो, फांसी सजा दे दो, बहुत कुछ। फिर आगे दिया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सहकारिता कानून, दंड विधान आदि सार्वजनिक कानून है। इसके अलावा जैसे उपभोक्ता संरक्षण हो गया, सहकारिता हो गया, दंड विधान हो गया, ये सभी सार्वजनिक कानून है। सार्वजनिक कानून को दो भागों में बांटा गया, देख रहे हैं, दो भागों में बांटा गया है, दीवानी कानून और फौजदारी कानून। दीवानी कानून के अंतर्गत जमीन जायदाद विवाह इत्यादि के झगड़ों की स्थिति में लगने वाले कानून एवं दीवानी कानून में क्या क्या है? जैसे मान के चलो जमीन के लिए दो भाइयों में झगड़ा हो गया या दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, वो आएगा दीवानी कानून, ठीक ना। या फिर जब विवाह शादी में यदि मारपीट हो गया, झगड़ा सब हो गया, वो भी इसमें क्या आएगा? दीवानी कानून। अगर ये फौजदारी कानून, फौजदारी कानून के अंतर्गत लड़ाई झगड़ा हत्या चोरी डकैती ये सब आता है। तो इसमें यदि मान के चलो ऐसे बोलचाल में बढ़ते, ठीक ना, क्या आ गया? मार हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी का हत्या, कोई किसी का खून कर दिया, कोई किसी का चोरी कर लिया, डकैती कर लिया, तो उस कंडीशन में ये कानून लागू होगा, फौजदारी कानून लागू होगा। अब देखो अगला टॉपिक, कानून कैसे बनते हैं। कानून कैसे बनते हैं? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून निर्माण करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से तो जनता का है। लोकतंत्र में जो है यदि कानून बनाने का अधिकार किसी को दिया गया है, किसको दिया गया है? जनता को दिया गया। जनता मतलब हम लोगों को दिया गया है, व्यक्तियों को दिया गया है, परंतु तकनीकी तथा व्यवहारिक दृष्टि से जनता के प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं। लेकिन जनता जो है डायरेक्ट कानून के बारे में नहीं कुछ कह सकता, ठीक ना। जनता डायरेक्ट कानून का मांग नहीं कर सकता। जनता क्या करता है? अपना कानून का मांग जो है अपने जो स्थानीय जो सरकार है, जैसे मान के चलो कि अपने स्थानीय सरकार, जैसे विधायक हो गया, विधायक से मांग करेगा, ये संसद हो गया, संसद से मांग करेगा, तो वही विधायक या संसद क्या करेंगे, आगे जाके सदन में बैठेंगे, जनता जो कानून के लिए मांग की थी, जनता जो चाहती है उसके प्रस्ताव को वो जाके सदन में रखेंगे। तो सदन में जो उससे जो बड़े पद पे, ठीक ना, उसको यदि प्रस्ताव बढ़िया लगेगा, उसको मांग बढ़िया लगेगा तो उसको स्वीकृति करेगा, ठीक है, जाओ। भारत में कानून बनाने का दायित्व संविधान ने
भारतीय संसद को दिया है, इसको दिया संसद को, ठीक ना। भारत में कानून कौन बनाता है? संसद, यानी संसद भवन में बनता है कानून, क्योंकि सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं। संसद में कौन बैठता है? सांसद। संसद में कौन बैठता है? सांसद, ठीक है। सांसद जिसको कि हम लोग सुने, जैसे पूर्णिया के जो अभी सांसद पप्पू यादव है। संसद का एक प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना है। संसद भवन जो है, संसद का जो है, संसद भवन को संसद भवन लिखाते हैं। इसका सबसे जो है प्रमुख काम क्या है? देश को क्या करना है, ठीक ना। तो देश के लिए कानून बनाना है सबसे उसका उत्तम काम है। देश के लिए क्या करना है? कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून ऐसे नहीं बनता है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक निश्चित प्रक्रिया होता है, ठीक ना। उसी प्रक्रिया के थ्रू कानून बनता है। आमतौर पर जनता सबसे पहले समाज की समस्याओं के समाधान के लिए किसी खास कानून को बनाने के लिए आवाज उठाती है। हमारे समाज में, हमारे गांव में, टोला मोहल्ला में, ठीक ना, जो प्रॉब्लम होता है, जो समस्या होता है, जनता क्या करते हैं उस समस्या के लिए आवाज उठाते हैं कि हमें इसका निदान चाहिए, हमें इसका निदान चाहिए, हमें इसका कानून चाहिए। तो जनता के आवाज को लेकर क्या होते हैं, ठीक ना, तो सांसद जो है संसद में जाते हैं। सांसद यानी कि संसद भवन में जाते हैं और वहां मुद्दा खड़ा होता है, ठीक ना, कि ये कि हमको जो ये कानून चाहिए, हमारा जनता मांग कर रहा है हमको, कि हमारे जो गांव में, हमारे क्षेत्र में इसकी बहुत ही नितांत आवश्यकता है, बहुत प्रॉब्लम है। उसके जनता के उठाए गए मुद्दों को मंत्रिमंडल द्वारा उस विषय से संवैधानिक विभाग के सुझाव पर एवं विधेयक निर्माण के लिए भेजा जाता है। उसके बाद मंत्रिमंडल विधेयक को संसद में पेश करते हैं। पहले मंत्रिमंडल में जाता है, वहां से जाता संसद में। भारत में संसद के दो सदन है, पहले भी बताया पिछले चैप्टर में। भारत में संसद के कितने सदन है? दो है। पहला कौन है? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। भारत में संसद के दो अंग हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अब देखो कानून बनाने की प्रक्रिया, सबसे पहले क्या करना, जनता का मुद्दा या समाज में चर्चा एवं बहस, समाज में जो आपस में जो चर्चा होता है, समाज में जिस बात पर बहस होता है, जनता उस पर क्या करता है, अपना मुद्दा उठाता है, हमको इसकी इस पर कानून चाहिए, हमको इस पर रोक चाहिए, आवाज उठाया। आवाज उठाने के बाद सरकार द्वारा सदन में विधेयक पेश करना। तो सरकार क्या करते हैं, जनता के मुद्दे को उठाते हैं। सरकार कौन? तो भाई उसका सांसद, ठीक ना। वो जिस एरिया में ये बहस हुआ, जिस एरिया में ये लफड़ा हुआ, ठीक ना, उस एरिया का जो सांसद है वो क्या करता है, उस मुद्दे को उठाता है, उस मुद्दे को उठा के विधेयक में पेश करता है। विधेयक के बाद जो वो मुद्दा जाता है सदन में, कहा जाता है सदन में, और सदन में चलता है पूरा बहस, पूरा चर्चा, पूरे बहस से चर्चा चलता है। उसके बाद वहां से विधेयक पारित होता है, सदन से एक स्टाम्प पारित होता है, ठीक ना, एक विधेयक पारित होता है। पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है, जो पहला सदन में जो विधेयक पारित हो गया उसको भेजता है दूसरा सदन में। दूसरे सदन में फिर चर्चा या बहस होता है, तब इस पे देखता है यदि पूरे सही है तो चलो ठीक है, सही लगा दिया जाता है, लगता है यदि कुछ इसमें परिवर्तन करना चाहिए तो उसमें क्या होता है, कुछ चेंज होता है, संशोधन होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सिग्नेचर के लिए। राष्ट्रपति के पास भेजे सिग्नेचर के लिए, राष्ट्रपति फिर पढ़ते हैं, यदि उसको लगता है कि अब भी कुछ गलती है, विधेयक में जो है दूसरा विधेयक में गलती छाट लिया गया था, फिर भी उसको लगेगा कि इसमें इस कानून को पारित करने में कुछ समस्या, कुछ गलती है, वो उसको और फिर सुधार देगा। लगेगा पूरा सही है तो राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करेगा। इस प्रकार जो सबके सहमति से कानून बन जाता है, कानून क्या हो जाता है, बन जाता है। आगे देखो शिक्षा अधिकार कानून, ठीक ना, शिक्षा के लिए क्या कानून है? आजादी के बाद संविधान में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ है तब से जो है शिक्षा पर जो विशेष ध्यान दिया गया, पढ़ाई लिखाई पूरा ध्यान दिया गया है। उनमें यह प्रावधान अनुच्छेद 45 में रखा गया कि 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अगले 10 वर्षों में राज्य द्वारा की जानी चाहिए। जब हमारा भारत देश जो है कब आजाद हुआ, 1947 में, ठीक ना, जब 1947 में आजाद हुआ तो इस तो शिक्षा पर एक कानून बना सरकार द्वारा, जो बड़े सरकार द्वारा क्या किया गया, कानून लागू किया गया कि 14 साल तक के बच्चों के लिए, बच्चा जो 6 वर्ष में, ठीक ना, 6 साल में बच्चा नाम लिखाता है 1 क्लास में, गवर्नमेंट की तरफ से कितना लिखाता है 1 में, 14 साल में बच्चा हो जाता है 8 क्लास में, 8 क्लास में, ठीक ना, 8 क्लास में हो जाता है। तो ये बच्चा को जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का निःशुल्क शिक्षा मिलता है, इस पर कानून बनाया गया। पहले नहीं मिलता था, ठीक ना, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चा को फ्री में शिक्षा मिलना चाहिए, 1 भी रुपया तुमने बदले में नहीं लेगा,
बल्कि जहाँ तक वो सरकार ही देता है ना, छात्रवृत्ति देता है, पोशाक देता है, कपड़ा देता है, उसके बाद जो भोजन देता है, किताब भी देता है, अब तो बैग सब भी देने लगा, पानी का बोतल तक देता है, बताओ। उसके बाद जो है आगे दिया गया, अंततः जो सरकार द्वारा संसद के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया, यानी कि 2009 में इस पे पूर्णतः एक्शन लिया गया। तो शिक्षा का अधिकार पूछेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2009 में। इसका इसके थ्रू मतलब क्या थे कानून? इसके लिए यह कानून था कि इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कहीं भी ले सकता। तुम यदि कोई स्टूडेंट जो है, कोई लड़का या कोई लड़की जो है 6 साल, हल्ला मत करो, 6 साल से लेकर 14 साल के बीच है, तो भारत के किसी भी कोना में, ठीक ना, पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के किसी भी कोना में वो जाके क्या करता है, फ्री में शिक्षा ले सकता है। यदि कोई स्कूल जो है एडमिशन लेने से मना करता है, उस पर तुम लोग केस कर सकता है कि मेरे पास अधिकार है कि हम केवल आपके स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के किसी भी कोना में एडमिशन ले सकते हैं, तो आप हमको मना नहीं कर सकते हैं। उक्त कानून के लागू होने के बाद जो कुछ और कानून भी लागू हुआ, बाल मजदूरी, पढ़ाई पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या व लड़कियों की साक्षरता प्रतिशत का बढ़ना इस बात की ओर संकेत करते हैं कि शिक्षा संबंधी कानून अपने उद्देश्य में सफल रहे। तो पहले जो है बच्चा बाल मजदूरी खूब करता था, मतलब छोटा छोटा उम्र में क्या करता था, काम करता था। जब से 2009 में यह कानून लागू हुआ तो बाल मजदूरी घटने लगा, ठीक ना, लड़के और लड़कियों के में जो पढ़ने वाली संख्या बढ़ने लगी। लड़कियां पहले जो उतना नहीं पढ़ती थी बल्कि सवेरे सकाल उसका शादी विवाह करा दिया जाता था। जब ये कानून लागू हुआ तो अब देखा गया कि पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में क्या होने लगी, बढ़ने लगी, वृद्धि होने लगी। तो सरकार को एहसास हुआ कि हमारा यह कानून सफल रहा। कानून क्या रहा? सफल रहा। अब देखो यहाँ पे 2-3 आदमी के बीच जो बातचीत है, तो बातचीत अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। जो जितना ये बातचीत है तुम लोग पढ़ना घर पे, जो अध्यक्ष और रीना जी के बीच बातचीत है, फिर देखिए अध्यक्ष अनुराधा जी, अध्यक्ष विकास जी, ये रीना जी कह रही है, ये अध्यक्ष या अंतरा जी, सबके बीच देखना बातचीत क्या बातचीत है, ठीक ना। ये अरविंद जी ये क्या कह रहे हैं, मतलब ये बहस है आपस में, ये क्या है, ये न्यूज चैनल सब पे, टीवी सब पे देखा होगा, चैनल वगैरह देखा होगा न्यूज सब पे, 2-3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी आपस में क्या करते हैं, बहस करते हैं, ठीक ना, ये बोलते हैं फिर ये चुप होते हैं, वो बोलते हैं, वो चुप होते हैं, वो बोलते हैं, इसी प्रकार जो है ना संसद में भी जो है क्या होता है, बहस होते रहता है, ठीक, मंत्रिमंडल में भी बहस होते रहता है। वही याद आई, जो ऊपर का पढ़ेगा पता चलेगा ये बहस इसी तरह चलती है। देखो यहाँ देखो ये सब बहस करने के लिए बैठे हैं, ये संसद भवन है, संसद में हो रही चर्चा है ना, ये क्या भारत का संसद है, यहाँ देखो बहस चल रहा है अभी, कह रहे बहस इसी तरह होती है। बहस के बाद अध्यक्ष ने विधेयक पर मतदान करवाया, विधेयक बहुमत से पारित हो गया। तब जो कानून था उस पर मतदान कराया कि इस कानून से कौन कौन सहमत है, मान लो 100 व्यक्ति है, 60 से 70 आदमी हाथ खड़ा कर दिया, हम सहमत हैं, वो कानून लागू हो जाएगा। यदि मान लीजिए उसमें 100 आदमी में मान लीजिए कि 25 से 30 आदमी, 50 से कम आदमी हाथ खड़ा किया, तो वह कानून लागू नहीं होगा। सहमति जो है ना 50% से ज़्यादा चाहिए, आधा से ज़्यादा चाहिए। अगला दिया कि टॉपिक, ठीक ना, अब खत्म है कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं, ठीक ना, क्या कानून जो है सभी पर लागू होता है या नहीं। तो हमारे देश का कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच आपस में कोई भेदभाव नहीं करता है। हमारे देश में जो भी कानून बनता है वो जो है यह भेदभाव नहीं करता है कि यह कानून जो है ना हिंदुओं के लिए है, यह कानून जो मुस्लिमों के लिए है, इसको करे धर्म, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं। लिंग के नाम पे भी, लिंग मतलब हुआ कि यह स्त्रीलिंग लड़की के लिए लागू होगा या पुल्लिंग लड़का के लिए लागू होगा, लागू होगा सबके लिए होगा, ठीक, उसमें भी भेदभाव नहीं करता। अगला धर्म, जाति के आधार पर, जाति मतलब इस कास्ट का वो उस कास्ट का, जाति के आधार पर भी यह भेदभाव नहीं करता है। कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे व्यक्ति धनी हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अग्रे हो या पिछले हो, ठीक ना, चाहे जो है व्यक्ति किसी भी कंडीशन में अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक ना, कानून सब पे एक समान लागू होगा। यहाँ तक कि संबंधित व्यक्ति देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, कानून उस पर भी लागू होगा। जो कानून लागू होता है ऐसा नहीं कि वो कानून केवल जनता के लिए, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, ठीक ना,
कोई भी हो, कानून सबके लिए एक समान है, कानून जो है सब पर एक समान लागू होता है, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, उसको भी कानून के अंडर रहना पड़ेगा। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता, कानून सबसे बड़ा, कानून भारत में क्या है, सबसे बड़ा है, कानून से ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए एक निश्चित सजा होती है, कानून का उल्लंघन कोई व्यक्ति करेगा चाहे वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों ना करे तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, सजा उसको मिलेगा। देखो बराबर जाता है ना, बराबर देखेगा कि उस राज्य का मुख्यमंत्री कोई ना कोई जेल जाते रहता है ना, तो वो कानून के उल्लंघन के कारण। अगला हेडिंग दिया है बिहार प्रेस बिल 1982 में बिहार में जो एक प्रेस बिल लागू हुआ था, तो आगे समझते हैं उसमें। बिहार राज्य में 1982 में बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधान पालिका द्वारा एक कानून पारित किया गया था। बिहार में जो है 1982 में एक कानून लागू था, उस कानून का नाम था कि बिहार प्रेस बिल 1982। ये किसके द्वारा लागू किया गया था, विधान पालिका द्वारा। इस कानून में ऐसी बातें लिखी गई थी जिनका सहारा लेकर राज्य सरकार की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति, अखबार या पत्रिका से जुड़े सभी लोगों को दंडित किया जा सकता था। इस कानून में यह था, यदि तुम सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलेगा तुमको सजा मिलेगी। अभी जैसे देखो प्रत्येक व्यक्ति को जाना क्या है तो आजादी है, सब व्यक्ति को सरकार के, जो व्यक्ति सरकार के सहमत में है वो सरकार के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहता है, जो व्यक्ति को सरकार के सहमत में नहीं, जैसे बीजेपी की सरकार है ठीक ना, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो समर्थक हैं, वो उसका पक्ष लेते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, तो भी उसको कोई सजा नहीं मिलती है क्योंकि वो तो उसका सपोर्ट करते हैं। जो उसके विपक्ष में है, जैसे जो आरजेडी के हैं ठीक ना, जो कांग्रेस के हैं, जो विपक्ष में है, तो वो क्या करते हैं ना, वो कि उसका जो विरोध करते हैं, उसके बारे में घटिया सब बातें बोलते हैं, क्या उसको कोई सजा मिलता है, नहीं। अभी जो वर्तमान समय में जो है भारत में सभी नागरिकों को जो है बोलने का अधिकार दिया गया, चाहे वो सरकार के सपोर्ट में हो चाहे वो उसका विपक्ष में हो, सभी सरकार के बारे में बोल सकता है, चाहे वो अच्छी बातें बोले या उसकी बुरी बातें बोले। लेकिन जो है बिहार में जो 1982 में एक कानून लागू किया गया था, यदि तुम सरकार के बारे में कुछ भी गलत बोला, भले सरकार गलत कर रहा करने दो, सरकार चोरी कर रहा करने दो, सरकार सबका खून कर रहा करने दो ठीक ना, सरकार सब पे जुल्म कर रहा करने दो, लेकिन सरकार के विरुद्ध यदि तुम आवाज उठा दिया, कुछ बोल दिया, तो तुम पे कानून लागू होगा। जहाँ तक कि कोई मीडिया वाला मतलब कोई अखबार वाला ठीक ना, कोई न्यूज चैनल से बड़ा भी आवाज नहीं उठा सकता था, उस पर भी ये कानून लागू कर दिया गया था। मीडिया वाला भी आवाज उठाएगा तो इस पर भी क्या होगा, तो कानून लागू होगा। इस तरह क्या हुआ, तो उसके बाद बिहार में विरोध प्रदर्शन हुआ, पूरा जम के विरोध हुआ, विरोध करने के बाद तब यह कानून जाके नष्ट हुआ। इसी के साथ यह चैप्टर खत्म हो गया ठीक ना, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर के साथ, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।